हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द हिमालयन मोम। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी हिमाचली घाट, जो कि अब बहुत कम रह चुके हैं। जिस जैसे पानी के सोर्स भी कम होते जा रहे हैं और घाट भी अब कम ही यूज़ होते हैं, क्योंकि पानी कम होता जा रहा है। पहले नालों के आसपास भी घाट होते थे, तो अब पानी नाले में कम हो गया है और अब नदियों के आसपास बचे हैं थोड़े बहुत घाट, तो जहाँ पे लोग गेहूँ, मक्की और जौ को पीसते हैं। तो आज हम भी जा रहे हैं एक घाट, जो कि मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से उसमें पीसा जाता है। तो चलिए चलते हैं उस घाट के पास। अभी भैया इसमें थोड़ी सफाई करेंगे, क्योंकि ये 2-3 दिन से बंद था तो थोड़े पत्ते गिरे हैं ऊपर से। फिर इसको चलाना स्टार्ट करेंगे, और थोड़ा अंधेरा भी है, दिखाई नहीं दे रहा है अंदर। और जो ये पत्थर है ये ही घूमेगा, ये चक्की, इसको चक्की बोलते हैं। तो इसको किस तरह से बनाया है, किस तरह से तराशा गया है, बहुत अच्छी तरह से। जो ये एक है साइड में, ये हैंडल टाइप, तो ये है मोटा और पतला पीसने के लिए, इसको सेट करते हैं। तो यहाँ से पानी की सप्लाई को छोड़ देंगे, यहाँ से इस तरह से बंद किया जाता है जब घाट बंद होता है। और ये पानी जब अंदर जाएगा तो अंदर एक चक्की के नीचे लकड़ी का फैन होगा, उस पर ये पानी गिरेगा और फिर चक्की घूमेगी। तो इस तरह से इसको बंद किया जाता है और पानी इस तरह से इधर उधर गिर जाता है। दो जगह से ये पानी बंद करते हैं पीछे से, एक यहाँ पे और इस तरह से जो अभी निकाला है आपके सामने, और फिर पानी इधर उधर जाएगा जब यहाँ से बंद होगा। स्टार्ट हो गया है, तो देखिए अंदर चक्की घूमने भी स्टार्ट हो गई है। तो मैं अंदर जाके अब आपको दिखाऊंगी। अभी इसमें मक्की और जौ को पीसने के लिए डाला है, तो ये गाय के लिए पीस रहे हैं। पहले इस कंटेनर में अनाज डालते हैं और यहाँ से ये आराम आराम से गिरता रहेगा। इंटरेस्टिंग चीज़ की एक ये है, आप देख रहे हैं इससे 3-3, 4-4 दाने आराम आराम से गिर रहे हैं, तो ये बहुत ही कमाल की टेक्निक है किस तरह से ये थोड़े थोड़े दाने ही गिर रहे हैं। नहीं तो ये सारा एक साथ भी आ सकता था, क्योंकि जो ये साइड में एक आपको दिखाई दे रही है, जो नीचे चक्की में भी टच हो रही है, लकड़ी का एक टुकड़ा है जो जिस तरह से बनाया गया है ये, तो ये नीचे टच हो रहा है चक्की में और साथ में इसमें भी टच हो रहा है जहाँ से दाने गिर रहे हैं, तो इसीलिए ये इसको डिज़ाइन किया गया है कि आराम आराम से 2-2, 4-4 दाने गिरे। बहुत ही कमाल की टेक्निक है, मतलब आप सोच सकते हो कि कितनी अच्छी तरह से इसको डिज़ाइन किया गया है। ये देखिए, अगर इसको इस तरह से उठाएंगे तो एक भी दाना नहीं गिरता है।
ये इसके साथ टच हो रहा है, तो धीरे 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 आराम आराम से दाने गिरते जा रहे हैं और चक्की में पीसते जा रहे हैं। तो नीचे इस तरह से आटा पीस के निकल के आ रहा है और नीचे गिर रहा है, और वहीं ये सारा आटा इकट्ठा होगा और वहीं से इकट्ठा होके कट्टे में भर देंगे यहाँ से। और ये आगे घराट के नीचे से क्रॉस हो रहा है पानी, जो चक्की के ऊपर गिर के और आगे क्रॉस हो रहा है यहाँ से। अभी जितना ये इसमें अंदर पीसने को डाला हुआ है, इसको कम से कम 3-4 घंटे लगेंगे और ये पीसता जाएगा। और अब हम बंद करके इसको चले गए। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।